हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओक्यूलस ये 2013 की हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक फैमिली के पास हंटेड मिरर जब आता है तब उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप कमेंट करते रहे। कमेंट से वीडियो की रीच बढ़ेगी और इस चैनल को अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि एक छोटा लड़का और लड़की ये दोनों घर में छुप रहे हैं। उन्हें मारने के लिए कोई आ रहा है। थोड़े टाइम में टीम इन्हें ढूंढ लेता है। इन पर वो गन रख कर उन्हें शूट करता है। ये जो सब था ये टीम का सपना था। अपने थेरेपिस्ट के साथ ये सब वो शेयर कर रहा था। अभी अभी छोटे बच्चे जो हमने देखे इसमें टीम भी था। टीम अपने आप को ही मार रहा है ये उसका वो सपना था। उसके साथ छोटी लड़की ये उसकी सिस्टर कायली थी। टीम और कायली के साथ एक हादसा हुआ था और उसके बाद बचपन से टीम मेंटल हॉस्पिटल में था। अब थेरेपिस्ट से जब टीम बात करता है उसे अपने सपने के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट कहता है कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। तुमने जो भी गलतियाँ की है उन सबको अब तुम खुद जिम्मेदार मान रहे हो। ये एक बहुत ही नॉर्मल सपना था और अब पूरी तरीके से तुम ठीक हो चुके हो। टीम ठीक हो चुका है तो यही बात गवर्नमेंट ऑफिशियल से साइकेट्रिस्ट कह देते हैं। टीम को डिस्चार्ज मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कायली, इसको हम देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कायली और टीम ब्रदर सिस्टर्स है। कायली अपने हस्बैंड के साथ एक ऑक्शन कंपनी में काम करती है। वो आज भी एक ऑक्शन में आई हुई है जहाँ पर उसकी नज़र एक मिरर पर है। अगले दिन टीम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और कायली उसे पिकअप करने के लिए आती है। ये दोनों फिर बात करते हैं। कायली टीम से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। टीम को भी यह सुनकर अच्छा लगता है। कायली फिर सीरियस हो जाती है। उसे कहती है जो हमने काम अधूरा छोड़ दिया था अब वो हम पूरा कर सकते हैं। मैंने मिरर को ढूंढ लिया है, अब मिलकर हम उसे मार देंगे। टीम को यह सब गलत लगता है। वो कायली के साथ रहने के लिए अब मना कर देता है। कायली उसे एक मॉडल पर छोड़ देती है और कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। टीम कहता है कि तब मैं 10 साल का था। जाते जाते कायली कहकर जाती है कल मैं उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने जा रही हूँ, तुम आओ या ना आओ। अब मूवी में फ्लैशबैक भी स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये छोटे थे तब क्या हुआ था ये हम देख सकते हैं। कायली और टीम एक नए घर में मूव हुए। इनकी मदर का नाम मरी और फादर का नाम एलन था। एलन को मिरर अच्छा लगा था तो उसने उसे बाय कर लिया था। रात में मरी इसी मिरर में अपने आप को नोटिस करती है। उसे लगता है कि उसकी डिलीवरी के स्कार्स बड़े होते जा रहे हैं। ये सब वो एलन को कहती है पर एलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे वो फ्लर्ट करता है और उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो घर में दूध वगैरह ढूंढता है तो घर में कोई है ऐसा उसे महसूस होता है पर अगले ही सेकंड वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। कायली को रात में बुरा सपना आता है। वो मिरर के सामने थी और उसके फादर उसे मार डाल रहे थे। उसका हस्बैंड उसे शांत करता है। अगले दिन काम पर कायली से वो बात करता है। कहता है तुम्हारे प्रिंटर से मर्डर सीन के फोटोज निकले थे। वो कायली के लिए वरीड है तो इसके लिए उसका काम जरा कम कर देता है। कायली कहती है कि मैं सब कुछ समझा सकती हूँ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। इसके बाद कायली मिरर एक्वायर कर लेती है। लास्ट टाइम टीम ने सही से कायली से बात नहीं की थी, उसे बुरा लगता है। कायली को कॉल लगाता है। कायली कहती है कि घर आ जाओ, वहाँ हम बात करेंगे। बचपन में वो जहाँ रहते थे उसी घर में उसे वो बुलाती है। फिर से हम पास देखते हैं। मरी नोटिस करती है कि उसके घर में प्लांट्स अब मुरझा रहे हैं। एक दिन टीम और कायली खेल रहे थे तब कायली ने अपने फादर के ऑफिस में एक लड़की को देखा। रात में डिनर टेबल पर अपने फादर एलन से पूछा तो एलन साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरे ऑफिस में तो कोई भी लड़की नहीं थी। मदर भी बहुत ही सस्पिशियस हो जाती है। एलन भी बिना सही से एक्सप्लेन किए वहां से चला जाता है। फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टीम और कायली उनके घर में आ चुके हैं। यहाँ पर टीम देखता है तो मिरर के आसपास कायली ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है। इसमें लाइट्स, कैमरे, लैपटॉप्स, इनके खाने पीने का सप्लाई और एक बड़ा सा एंकर जो इस मिरर को तोड़ सकता है, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। कायली टीम से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, पर टीम कहता है थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ। अब कैमरे के सामने आकर कायली सब कुछ बोलने लग जाती है। वो अपने आप को टीम को इंट्रोड्यूस करती है। वो कहती है कि जिस मिरर की मैं बात कर रही हूँ ये एक सुपर नेचुरल हंटेड मिरर है, इसको डिस्ट्रॉय करने वाली है। जिस रूम में वो है इस सब की डिटेल्स देती है। इस रूम के कैमरेज, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ सेल्फ पावर्ड होने वाले हैं। इसने बहुत सारे अलार्म्स भी लगा कर रखे हैं।
अलग अलग चीजें करने के लिए एक रिमाइंडर की तरह है। इसमें एक अलार्म एंकर का भी है। अगर काइली ने 30 मिनट्स में इस एंकर के टाइमर को रिसेट नहीं किया तो ये नीचे गिरेगा और मिरर को तोड़ देगा। हर 1 आवर में काइली को उसके हस्बैंड का कॉल भी आने वाला है, कैसी है वह चेक करेगा। अब मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कहती है कि ये कहाँ से आया है ये किसी को भी पता नहीं है, इनके ओनर्स के बारे में उसे पता है, जिसके भी पोजीशन में मिरर था वो सब लोग मर चुके हैं। इनके मरने के सरकमस्टांस भी बहुत ही अलग थे। एक औरत की डेथ तो बाथ टब में हुई थी और उसके मरने का रीजन डिहाइड्रेशन था। अगर चाहती तो बाथ टब का पानी पी सकती थी। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद अलार्म बजता है और अब इनके खाने का टाइम है। टीम पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। काइली बोलती है कि सब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, हमारे डैड मर्डरर है यही वो समझते थे। अब इस मिरर की रियलिटी मैं सबको बताना चाहती हूँ। टीम उसे समझाता है, कहता है हम तब बहुत ही छोटे थे, शायद सच में हमारे फादर मर्डरर थे। काइली इस पर नाराज होती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस रात जो हुआ था उस रात के बाद टीम ने बहुत सालों तक थेरेपी की है। एक्चुअल में चीजें किस तरह से हुई होगी ये उसने एनालाइज किया है। उसे अब लगता है कि 100 मिरर वगैरह ऐसी कोई भी चीज नहीं है। काइली ये सब नहीं मानती, वो फिर से अपने काम में लग जाती है। टीम उसे फिर से रोक लेता है, कहता है ये मिरर ही सिर्फ कोई रीजन नहीं हो सकता, ऐसे तो कुछ भी चीज पर तुम सब कुछ ब्लेम कर सकते हो। काइली कहती है फादर ने मदर को मार डाला, वो कोई मर्डर नहीं थे, तो इस मिरर के वो विक्टिम थे। टीम कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम डायरेक्टली इस मिरर को तोड़ क्यों नहीं देते। काइली कहती है हमने ट्राई किया था। वो फिर से उसे ट्राई करने के लिए कहती है। वो मिरर को तोड़ने के लिए जा रहा था तब अचानक से रुक जाता है। काइली से कहता है हमारा माइंड हमसे ट्रिक खेलता है, हम जो चाहते हैं कि हम याद रखें यही चीजें हम याद रखते हैं। काइली फिर पॉइंट आउट करती है कि तुम मिरर को तोड़ने के लिए जा रहे थे पर अचानक से अपना माइंड तुमने चेंज कर दिया। वो और भी फर्म हो जाती है ये मिरर ही सब कर रहा है। वो टीम को एक रिकॉर्ड दिखाती है, पहले भी किसी ने इस मिरर को तोड़ने की कोशिश की थी। वो घर से बाहर निकला और रोड पर चलने लग गया, वही उसका एक्सीडेंट हो गया। काइली कहती है कि ये मिरर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये टीम को समझाती है कि अब ये मिरर हमारे माइंड के साथ गेम्स खेलेगा। मैंने टाइमर लगाकर एक एंकर यहाँ इंस्टॉल किया है, अगर हम यहाँ नहीं रहे तो टाइमर इस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी रीजन की वजह से मिरर को हमें जिंदा रखना पड़ेगा। वो यही रहकर प्रूव करने वाली है कि मिरर सुपर नेचुरल है। मूवी में फिर से हम पास देखते हैं। एलन काम कर रहा था, उसके फिंगर पर चोट आई थी तो वहां एक बैंडेड था। इस बैंडेड से वो जरा डिस्टर्ब हो रहा था। इस बैंडेड को निकाल कर उसने साइड पर रख दिया। थोड़ी देर में उसने फिर से देखा तो फिर से उसकी उंगली पर वही बैंडेड है। वो समझ नहीं पाया कि ये हुआ क्या। उसे इसने इग्नोर किया, फिर से बैंडेड निकालने की कोशिश की पर इस बार ये बैंडेड निकल नहीं रहा था। उसने एक होल्डर से इसे जोर से बाहर निकालने की कोशिश की तो उसके नेल से बाहर आ गए। उसे लग रहा था कि वह बैंडेड है पर बैंडेड था ही नहीं। अभी अभी काइली जिस माइंड गेम्स के बारे में बात कर रही थी यही माइंड गेम्स हम इस सीन में देख सकते हैं। एलन के रूम में बुक्स नीचे गिरी हुई थी, उसे लगा कि उसके बच्चों ने यह किया है। उसने काइली और टीम को कन्फ्रंट किया तो उन्होंने इस पर मना कर दिया। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि काइली मिरर के पास एक डॉग रखती है। वो कहती है कि हम जब छोटे थे तो मिरर आने के बाद हमारा डॉग मर गया था, फिर से चेक करना चाहती है। घर में उसने प्लांट्स भी लाए हुए हैं और देखना चाहती है कि मुरझाते हैं या नहीं। टीम अभी भी काइली पर कुछ भी बिलीव नहीं करता। फिर से हम पास देखते हैं। एलन ने एक गन बाय की है। मरी उसे कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, वो इससे डर रही होती है। एलन कहता है एक सेफ जगह पर मैं इसे रख दूंगा, कुछ भी वरी मत करो। जाते जाते मरी को लगता है कि एलन ने उसे गाली दी। रात में डॉग के बार्किंग की वजह से मरी उठ जाती है। वो जब एलन के काम करने के रूम के पास आती है तो वहां एलन किसी से बात कर रहा है ये वो नोटिस करती है। एलन से अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। नेक्स्ट डे एलन गोल्फ खेलने के लिए बाहर जाता है। मरी को घर में डॉग की टट्टी साफ करनी पड़ती है। ये डॉग उसे बहुत ही तंग कर रहा था तो एलन के रूम में ही उसे छोड़ देती है। जब एलन घर पर आता है और रूम खोलता है तो उसमें डॉग है ही नहीं। उसके बाद उस डॉग की तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। घर में एलन और मरी के बहुत सारे झगड़े भी स्टार्ट हो गए थे। मरी को अब लगने लग गया है कि एलन का अफेयर चल रहा है। अब फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं। टीम कहता है तुम्हें जो भी लगता है तुम वो इमेजिन कर रही हो, शायद मदर और फादर में अच्छे सा मैरिज नहीं था।
मरने के पहले भी मदर की हालत बहुत ही खराब थी, ये इस सब को एक्सप्लेन करेगा। केली ने डॉग को मिरर के पास रखा है तो टीम को लगता है कि बिना वजह वो डॉग को टॉर्चर कर रही है। वो डॉग को बाहर छोड़ देता है। वो कायली को समझाता है कि मैं हॉस्पिटल में था, मुझे जो भी हेल्प चाहिए थी वो सब कुछ मुझे मिली है, इसे रैशनली मैं देख सकता हूँ। तुमने कभी भी किसी से बात नहीं की, इसीलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। कायली भी रियलाइज करती है कि शायद ये सब सही हो सकता है। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अब वो उसकी बात मान रही है। वो फिर से जब मिरर के रूम में पहुंचती है तो हंसने लग जाती है। वो कहती है कि मैं जो कह रही थी ये सही था। जब ये दोनों आर्ग्यू कर रहे थे तब कैमरे की डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दी। नीचे जो प्लांट्स रखे थे ये भी मुरझा चुके हैं। पूरे रूम का स्ट्रक्चर ही इन्होंने बदल दिया। ये सब ये काम कर रहे थे पर इन्होंने कभी भी रियलाइज नहीं किया। वीडियो रिकॉर्डिंग्स में ये सब वो देख सकते हैं। कायली ने जो भी प्रिडिक्ट किया था वो सब कुछ सही है। टीम को कुछ भी समझ में नहीं आता। घर से बाहर निकलकर कॉल करने की कोशिश करता है। वो एक सेकंड बाहर था तो अगले सेकंड फिर से घर में है। उसे लगा था कि वो बाहर है पर वो पूरे टाइम घर में ही था। कायली कहती है कि अब मिरर ने हमारे साथ गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया है। अब हम अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम दोनों अब एक साथ हैं तो मिलकर इस मिरर को मार डालेंगे। अब हम फिर से पास देखते हैं। मरी अपने बच्चों से पूछती है क्या किसी औरत को अपने फादर के पास तुमने देखा है। टिम कहता है कि एक रात वो यहाँ थी, स्टेज पर खड़ी हुई थी, उसके बाद वो फादर के रूम में चले गए। मदर इस सब बातों से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो डायरेक्टली एलन के रूम में पहुंचती है। वहां पर उसका सब सामान चेक करती है तो एक नोटपैड पर उसने एक नाम लिखा है, मेरी सोल मेरी सोल मेरी सोल। मरी को कन्फर्म हो जाता है कि उसका अफेयर चल रहा था। मूवी के फर्स्ट में जब कायली इस मिरर के विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, इसी विक्टिम में मेरी सोल का भी नाम था। इसका मतलब है इन सबको जो औरत दिख रही है इसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। अफेयर के बारे में पता चलने के बाद मरी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। मिरर के सामने खड़ी होती है। वो फिर से अपनी प्रेगनेंसी का स्कार देखती है तो उससे ब्लीडिंग होने लग गई है। अचानक से मिरर से कुछ निकलता है और मरी में घुस जाता है। जब कायली और टिम उसके पास आते हैं तो अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश करती है। बच्चे भागते भागते अपने रूम तक पहुंचकर उसका डोर बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में एलन वहां पहुंचता है। मरी से पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। मरी एलन पर भी हमला करती है। एलन उसे कंट्रोल कर बेहोश कर देता है। इसके बाद एलन ने मरी को अपने रूम में ले जाकर उसे बांध दिया था। उसने बच्चों को समझाया कि मदर की हालत जरा खराब है, उसे तकलीफ हो रही है तो तुम दोनों उसके रूम में नहीं जा सकते। थोड़े दिन गुजर जाते हैं पर फिर भी एलन कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाता। ये किड्स वंडर करते हैं। कायली अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे। एलन उन्हें सही से जवाब नहीं देता। एलन को हमेशा से मिरर से विस्पर्स आती है। उसका इस विस्पर्स को सुनना और भी बढ़ जाता है। एक दिन कायली से रहा नहीं जाता और अपनी मदर के रूम में वो पहुंच जाती है। उसकी मदर एक जानवर की तरह हो गई है। खाने के साथ पूरी प्लेट भी वो खा जाती है। उसके दांत गिर चुके हैं और पूरा माउथ खून से लथपथ है। कायली जब उसके पास आती है तब उस पर भी हमला करने की वो कोशिश करती है। कायली डर कर वहां से भाग जाती है। एलन कायली पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है मैं तुम्हें कहा था कि वहां तुम्हें नहीं जाना है। कायली डॉक्टर्स को कॉल करने की कोशिश करती है पर हर डॉक्टर उसे एक ही चीज बताता है कि अपने फादर को कॉल करने के लिए कहो। जो आवाज दूसरी लाइन से आता है ये हर टाइम एक ही है। अब हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। मिरर की पावर बढ़ चुकी है और घर की सब लाइट्स चले गए हैं। कायली स्मार्ट है तो उसने सेल्फ पावर्ड लाइट्स लाए हुए थे। लाइट्स के पास एक टूटी हुई प्लेट वो देखती है। उसे मालूम है कि उसके माइंड के साथ मिरर गेम खेल रहा है। वो जब अपनी मोबाइल का कैमरा ऑन कर देखती है वहां पर कोई भी प्लेट टूटकर नहीं पड़ी है। अचानक से पीछे से उसकी मरी हुई मदर आती है। कायली डर कर ये प्लेट का टुकड़ा उसके गले में डालती है। नेक्स्ट मोमेंट में वो रियलाइज करती है कि उसका हस्बैंड है। मिरर की वजह से वो समझ नहीं पाए कि उसका हस्बैंड है या उसकी मदर। टीम फिर उसके पास पहुंचता है, सब कुछ चेक करता है। वहां पर नीचे शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ है। कायली जब फिर से अपने फोन के कैमरे से चेक करती है तो वहां उसका हस्बैंड है। वो रोने लग जाती है। जल्दी से फिर टीम कायली को लेकर बाहर निकलता है। वो पुलिस को कॉल करता है और वो जल्द ही आ रहे हैं। टीम कायली को कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब हमें सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है और तुम्हारा एंकर उस मिरर को तोड़ डालेगा। अचानक से घर में लाइट आ जाते हैं।
बाहर से टिम और काइली देख सकते हैं कि वो दोनों अंदर है। मिरर के सामने वो खड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये उनका माइंड है जो उन्हें कह रहा है कि वो बाहर है। ये मिरर की ट्रिक हो सकती है। ये दोनों मिरर के सामने खड़े हुए हैं। इसका मतलब है जब एंगर गिरेगा तो पहले ये दोनों मर जाएंगे, मिरर को कुछ भी नहीं होगा। फिर से टिम कॉल लगाने की कोशिश करता है पर इस बार कॉल नहीं लगता। टिम कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। ये दोनों जब घर में मिरर के रूम में आते हैं तो वहाँ उनके साथ मैरिसोल उन्हें दिखती है। कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं खेलना है। ये उनके पास बढ़ रही है तो ये डर कर एक रूम में छुप जाते हैं। इसके बाद हम फिर से पास में जाते हैं। छोटे काइली और टिम ने देख लिया था कि उनके फादर गन में गोलियां भर रहे हैं। उन्होंने फिगर आउट किया कि मिरर ये एक ही रीजन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मिरर के पास पहुंचे, मिरर को टच भी नहीं कर पाए। उन्हें मैरिसोल का भूत दिखा और जल्दी से वो भागकर अपने रूम में पहुंच गए। अब हम देख सकते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट में जो सीन चल रहे हैं ये सब पैरेलल में है। फादर यानी कि एलन अब मिरर की सब कुछ बातें सुन रहे हैं। वो मरी के पास जाकर उसे फ्री कर देते हैं। मरी घर में बच्चों को ढूंढने लग जाती है। टीम को कहती है कि मैं मदर को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम यहाँ से भाग जाना। ये दोनों ऐसा ही करते हैं। मदर जब काइली को मारने के लिए उसके पास पहुंचती है तब काइली गोल्फ बैट से उसे मारती है। एक रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है। वहाँ एक खिड़की थी पर उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा थी, पर फिर भी उसे वह जंप लगाती है। प्रेजेंट में भी हम देख सकते हैं टीम को उसके फादर का घोस्ट दिखता है। टीम काइली से कहता है कि घर में आकर हमने सही डिसीजन लिया, मिरर हमसे गेम्स खेल रहा है। मिरर के सामने हम दोनों ही थे। काइली घर से बाहर निकल गई थी पर उसे गन शॉट सुनाई दिया। वो अपने ब्रदर के लिए फिर से घर में गई। वहां पर मदर ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे मार ही डालने वाली थी पर फिर से उसे रियलाइज हुआ कि काइली उसकी डॉटर है। उसने उसे छोड़ दिया पर अब लेट हो चुका था। एलन ने मरी को गन लेकर मार डाला। काइली और टीम ये दोनों फिर भागे और मिरर के पास आए। मिरर को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की पर एलन वहां पहुंचा और इन पर गन लगाई। काइली एलन को कहती है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इनकी फाइट होती है और टीम एलन से गन छीन लेता है। जिस तरीके से एलन इस मिरर की वजह से पजेस्ड है उसी तरीके से मरी भी पजेस्ड थी। काइली को मारते मारते उसने छोड़ दिया था। इसी तरीके से एलन को भी रियलाइज होता है ये जो कर रहा है ये गलत है। टीम के हाथ में गन है तो उसके पास वो आता है। टीम की मदद से खुद ट्रिगर वो पुल कर देता है। एक्चुअल में ये सब हुआ था और सब लोगों को लगा था कि टीम ने अपने फादर को मार डाला। मरते मरते एलन इन दोनों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब प्रेजेंट में टीम ये सब देख रहा था। वो अभी भी मिरर रूम में है। अब वो देखता है कि मिरर के पास कोई भी नहीं है। जल्दी से जाकर एंकर को नीचे गिरा देता है। अगली मूवमेंट पर रियलाइज करता है कि काइली उस मिरर के सामने थी। एंकर की वजह से वो मर चुकी है। बचपन में काइली और टीम ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि इस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब टीम को याद आता है। वो बहुत रोता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाते हैं। बचपन में अपने फादर को मारने के लिए टीम को ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया गया था। उस टाइम भी उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब प्रेजेंट में भी काइली ने ही उसे फोर्स किया था। मिरर ने टीम को मैनिपुलेट किया और एक्सीडेंटली काइली को उसने मार डाला। टीम को फिर से पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। जब वो छोटा था पुलिस जब उसे लेकर जा रहे थे तब घर की खिड़की में उसने मदर और फादर के घोस्ट को देखा था। अब प्रेजेंट में जब उसे पुलिस लेकर जा रहे हैं तो उसे मदर, फादर और काइली ये तीनों दिखते हैं। लास्ट में मिरर ही जीत गया। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।